उत्तर प्रदेश में सीतापुर हरगांव थाना क्षेत्र के लहरपुर हरगांव राजमार्ग पर स्थित माहिमपुर गांव में मंगलवार की सुबह उस समय हाहाकार मच गया जब 5 बजे शौच को जा रही 32 वर्षीय ब्रजेश कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल राजमार्ग के किनारे टूटे पड़े 11,000 पावर के बिजली के तार की चपेट में आकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसे सुनकर गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों ने बताया कि टेंशन बिजली का तार रात में ही टूट गया था, जिसकी सूचना देने के बावजूद लापरवाह जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा करंट बंद नहीं किया गया, जिसकी चपेट में आकर ब्रजेश की मौत हो गई। मौके पर भारी भीड़ लग गई, गांव में हाहाकार मच गया। सूचना पाकर मौके पर हरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हाँ, लेटरिन भैया जा गए रहे विद्यावती और भैया आए यहीं माहिमपुर। हाँ, और टट्टी भैया गए रहे सवेरे सवेरे हुआ ऊंधा से एक लौंडा हुआ कहे लग तुम्हारे यहाँ दादा परे हैं उतरी तो देखा ही गए तो सही गो होने में यहाँ परे तो उठा के लावा गवा फिर। इनके बच्चे कितने हैं? दो हैं बच्चे, दो। उम्र क्या बच्चों की? हाँ भाई, छोटे छोटे हैं, 2-2 साल के, 3-3 साल के। बंसीधर माहिमपुर में। ये जो लड़का बिजली से एक्सपायर हुआ है इसका क्या कारण था? ये मेरा भांजा है, ये लेटरिन गया था सुबह और 11,000 वाला तार जो ब्लेड वाला तार है उस पर कटा पड़ा हुआ था और उसको पकड़ करके, इसको पता नहीं था, उसको पकड़ करके बाहर लेटरिन जा रहा था अंदर की तरफ खेत की तरफ और उसी में लाइट चल रही थी, 11,000 तार जो कटा था उसी से एक्सपायर हुआ है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।